प्रिपेयर की जाती है, उसमें कौन कौन से खाने बनाए जाते हैं। जैसा कि पहला कॉलम अमाउंट रिसीव का होता है, सेकंड कॉलम डेट का होता है, थर्ड कॉलम जिसमें कि हम विवरण लिखते हैं जिसको हम पर्टिकुलर में बोलते हैं, चौथा कॉलम वाउचर नंबर का होता है जिसके आधार पर प्रमाणक जिनके आधार पर ये बनाया जाता है, फिर पांचवा जो कॉलम होता है वो अमाउंट पेड का होता है कि जितनी पैसा हम पेड कर रहे हैं वो सारी अमाउंट्स यहाँ पर आती है। फिर हम जिस जिस टर्म के अंदर पैसा खर्च करते हैं, जैसे डाक तक पोस्टेज एंड टेलीग्राम में क्या खर्च करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हम क्या खर्च करते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में हम क्या खर्च करते हैं, भाड़ा है, कैरेज है, कार्ट्रेज है, ये जो होते हैं हमारे वेजेज हैं उनमें कितना पैसा देते हैं, और एक कॉलम हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस जिसे हम विविध व्यय भी कहते हैं हिंदी में उसका बनाते हैं, जो इन खानों में नहीं आता वो सब मिसलेनियस में चला जाता है, यानी विविध व्ययों में चला जाता है। आज हम आपकी पुस्तक के आगे प्रश्न है पेज नंबर 172 जिस पर आपका पूरा रोपड़वाई का 11 प्रश्न दिया गया है, उस 11 प्रश्न को हम आपको समझा रहे हैं कि इसके अंदर किस तरीके से ट्रांजेक्शन किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित लेन देनों से खुदरा रोपड़वाई तैयार करें जब एक लेखाकार को 2000 रुपये एडवांस मिलते हैं पहली तारीख को। तो हमें 2000 रुपये एडवांस मिलते हैं तो हम लिखते हैं 2 कैश अकाउंट, ठीक है, और पैसा ले देते हैं अमाउंट रिसीव लिखे, ठीक है। अब इसके पास 2000 रुपये हैं, इस 2000 रुपये में से इसको क्या करना है, जो खर्चे किए हैं जो कि यहाँ पे दे रखे हैं वो खर्चे हम किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहला खर्चा यहाँ पर डेट फर्स्ट कॉलम में पहली डेट है, ठीक है, पहली डेट को इसने ढुलाई का भुगतान किया है 50 रुपये का, यानी कैरेज दिया है, तो लेकिन ये बाय कैरेज इतना अमाउंट पेड किया है 50। अब कॉलम में किस में जाएगा, हमारा मजदूरी भाड़ा वाला जो है उसमें हमने 50 रुपये लिख दिए, यानी एक बार 50 यहाँ और एक बार 50 यहाँ पर, दोनों जगह आना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान। इसने एक एसटीडी का खर्चा चुकी है, एसटीडी शुल्क चुकाया है 40 रुपये बाय एसटीडी अकाउंट, एसटीडी किसमें आता है हमारा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में, 40 रुपये पोस्टेज एंड टेलीग्राम में हमने लिख दिए। फिर आता है बस का किराया, लेकिन ये बस फेयर अकाउंट, ठीक है, 20 रुपये चुकाया है, अब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के खाने में लिख दें। इसके बाद में आता है यात्रियों के लिए जलपान, यानी नहीं इसके पहले आ रहा है डाक पे है 20 रुपये, डाक रुपये है तो आप लिखेंगे भाई पोस्टेज अकाउंट 30 रुपये है, डाक के कॉलम में डाल दीजिए 30 रुपये। उसके बाद में है यात्रियों को रिफ्रेशमेंट कराया, लेकिन भाई रिफ्रेशमेंट अकाउंट है ना, आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन हम इंग्लिश में करेंगे, हम लिखेंगे भाई रिफ्रेशमेंट अकाउंट 80 रुपये चुकाया है, रिफ्रेशमेंट का कोई खाना नहीं, इसलिए इसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस के खाने में लिखेंगे। उसके बाद में आता है कुरियर की चुकाया है, कुरियर के 30 रुपये कुरियर अकाउंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में डाला हमने उसको। इसके बाद में हमने फिर रिफ्रेशमेंट में इसको ग्राहकों को जलपान कराया बाय रिफ्रेशमेंट 50 रुपये, और 50 रुपये हमने किस अकाउंट में डाल दिया, वो हमने मिसलेनियस में। उसके बाद में आपके आता है कि फिर आपने ढुलाई का दिया है, तारीख 10 है, बाय कैरेज अकाउंट 35 रुपये आपने दिए, उठाकर हमने किसमें डाल दिया, हमारा भाड़े वाले कॉलम में डाल दिया। इसके बाद में हमने क्या किया, टैक्सी का भाड़ा चुकाया है 70 रुपये, ट्रैवलिंग में जाएगा 70 करीब, ट्रैवलिंग में डाल दिया हमने 70 रुपया। उसके बाद में आता है हमारा ट्रैवलिंग के बाद में आपका आता है स्टेशनरी का खर्चा किया है 65 रुपये, आप पोस्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपका फिर आता है आपने बस का भी है, बस का किराया चुकाया है 10 रुपये बस का किराया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दीजिए। इसके बाद आपने किसका चुकाया है, फैक्स का एक्सपेंसेस है, आपने क्या किया है, फैक्स का एक्सपेंसेस किया है तो आप फैक्स एक्सपेंसेस इसमें जाएंगे, फिर इसमें डाकिंग का हो जाएंगे। फिर आपने क्या किया है, फिर 27 तारीख को आपने जो हमारी पोस्ट की जो टिकट्स होती है उस पर खर्च किए 200 रुपये, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में डाल दिए। फिर आपने फर्नीचर रिपेयर कराया है तो फर्नीचर रिपेयर आपने यहाँ डाला, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अकाउंट में डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपने धुनाई का भी है, वॉशिंग एक्सपेंसेस है 115 रुपये, आपने उठा के उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद में आता है सन्डरी एक्सपेंसेस, विविध एक्सपेंसेस 100 रुपये है, आपने उठा के उसमें डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे खर्चे डाल दिए। अब हमने हर कॉलम का हमने क्या किया, योग लगाया, हर कॉलम का योग लिखा और उस कॉलम के अंदर हर कॉलम के अंदर हमने योग लगाकर जोड़ आता है हमारा 1065 रुपये का, 1065 रुपये का योग आया, 2000
बराबर हो गए, यानी जो रोकड़िया था उसने 2000 रुपए के अगेंस्ट में 1065 रुपए खर्च किए, बैलेंस हो गया 935 रुपए। 935 रुपए बैलेंस अगले महीने की पहली तारीख को टू बैलेंस बीडी करके हमने लिखा। अब इसको अपने 2000 रुपए पुनः करने के लिए कितने पैसे लेने होंगे, नए 1065 रुपए। तो फर्स्ट तारीख को फिर से पैसे लिए हैं, लिखेगा टू कैश अकाउंट 1065 रुपए। अब इसके पास फिर देखेंगे आप नए महीने के शुरुआत में 2000 रुपए हो जाएंगे। अब ये पुनः इस 2000 से अगले महीने के सारे खर्च जैसे कि पिछले महीने में किए थे उस खाने में लिखता जाएगा और अपने खर्चों को करता जाएगा। इस तरीके से आप देखें ओपनिंग बैलेंस है, वहां पर मैंने टू शब्द का प्रयोग किया है, जब खर्चे किए हैं तो टोटली क्या लिखा है, बाई लिखा है, फिर टू बैलेंस बीडी नया ओपनिंग और नया पैसा लेते हैं तो टू कैश, बाकी सब चीजें खर्चे करते हैं वहां पर बाई बाई शब्द का यूज करते हैं और खर्चे अकाउंट का नाम लिखते चले जाते हैं। इस तरह से आपको हर खाने का योग लगाना है, ये सारे योग मिलकर इस योग के बराबर होने चाहिए। इस योग को हमारे अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में से घटा देते हैं तो बैलेंस बन जाता है, ये बैलेंस नए महीने का ओपनिंग बैलेंस बनता है और जितने पैसे कम होते हैं वो नए महीने की पहली तारीख को हम रोकड़िए से प्राप्त कर लेते हैं, जिसके अगेंस्ट में हम पूरे महीने भर में छोटे छोटे खुदरा खर्चे होते हैं उनको हम करते जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये मैंने 11वां क्वेश्चन किताब का है, ये करवाया एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, आप स्वयं करें। इसके अलावा भी आपको रोकड़ वही का एक क्वेश्चन और दे रखा है 12 नंबर का, आप अपनी होमवर्क कॉपी में करें। इस प्रकार आज हमारी कैश बुक सिंगल कॉलम, टू कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक तीनों के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, आप सभी अपनी अपनी प्रैक्टिस करें और उसको कॉपी के अंदर करें तभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से आएगा। एग्जाम्पल्स किताब में और भी दिए गए हैं, आप समझने का प्रयास करें। कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच।